बेरहम शिक्षक बेबस छात्रा, तेजी से वायरल हो रहा शिक्षक की क्रूरता का वीडियो। शिक्षक को ईश्वर का रूप कहा जाता है। ईश्वर का बोध कराने वाले शिक्षक ही होते हैं। हर परेशानी सहकर अपने विद्यार्थियों का जीवन संवारने वाले शिक्षक शायद आज अपनी पहचान और महत्ता को भूलते जा रहे हैं। बर्बरता, क्रूरता व सभ्यता आज के शिक्षकों में घर करने लगा है। ताज़ा मामला कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय महेश खोर का है। इस विद्यालय के शिक्षक की क्रूरता सामने आई है। भागलपुर में शिक्षक ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया है। दरअसल जिले के कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय महेश खोर के प्रभारी शिक्षक ने स्थानीय बबलू मंडल की बेटी छात्रा किरण की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षक ने छात्रा को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो 3 घंटे बेहोश रही और इसकी सूचना घर वालों को भी नहीं दी गई, बल्कि 3 घंटे स्कूल में ही बंद रखा गया। फिलहाल किरण का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना शनिवार की है। किरण की सहपाठी ने किरण के साथ हुई क्रूरता को बयां किया है। घायल छात्रा किरण के साथ साथ सहपाठी छात्रा ने बताया कि सभी विद्यार्थी प्रार्थना के लिए खड़े थे, इसी दौरान किरण से एक छात्रा का झगड़ा हुआ, जिसके बाद सराय और किरण को पहले केहूनी से मारा, फिर छड़ी से पिटाई की और घसीटते हुए कमरे में ले गए और फिर पिटाई की और वो बेहोश हो गई। मामले में प्रभारी शिक्षक मीडिया के सामने आने से इनकार कर रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि हमें आपके माध्यम से ही पता चला है कि स्कूल की बच्चे से किसी शिक्षक ने मारपीट की है। कानून गलत है, ये मामला संज्ञान में आया है। कल हम उस शिक्षक पर कार्रवाई करेंगे। अधिकतम जितना दंड हो सकेगा उनको देंगे। शिक्षकों से कहा गया कि बच्चों पर छड़ी नहीं उठानी है, मारना नहीं है, प्यार से पढ़ाना है, अपने बच्चे की तरह उनसे व्यवहार करना है। इसका उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी। की कर लन नु जतरा मार को गए को छरी मार के मार दिया है नी। हां तो गोप में सर देख के नंगा मार तो फिर मारा लग लो कुड़ा ना मार के ओगरा ना मार के ना आरो चाटो लगे गाली में चार चाटो तो रुके आरो किल किल के मार को कोनी लग मार कर बाली चित्र कर को लो पकड़ी जाय लड़न को की तन्या कर लो पकड़ी जाय गल्लो पड़ी घिचा दिल को और बात दूसरों मास्टर से नहीं चला रहा सुभाष सर शशिधर सर चलो मार्को लो कौन सर है सुभाष सर कौन कौन सुभाष सर मैं स्कोर रोज अपनों का मर्चा अच्छा कहना सुभाष सर मैं दूगो छो नी तो मारला सुतरा कौन सुभाष सर है ना गमर सुभाष सर है ना बगल में लगने लगा नहीं लगने दिया ना पहले वो मार दिया उसको मैडम को बोले मैडम बोली काहे भी रही है बोमी सबसे फिर से मारने लगा मैडम चली गई ये मारे ने मेरी बहन उसको बोमी को तो ना सर देख लिया और मारने लगा पहले हमारा कोनी लगे फिर उधर ले जाके मारने लगा कच्चा करची लगे माने करची टूट गया फिर मारने लगा कोनी भागने लगा बाल इंच के मारने लगा कोनी लगे कितना देर मारा बहुत देर मारा पहले यहाँ पे आए बैठने फिर खड़ा हुआ भी होश होने लगा तो सब लग मेलगा फिर डॉक्टर को यही बोला सिया दिया को बेहोश में बेहोश होने लगा तब सर घर लेके गया डॉक्टर कहलगा कहाँ फिर से गया भागलपुर डॉक्टर हुआ है नहीं बैठ नहीं सकता है Thank you.
मानसिक मामला सामने आया, बच्ची को काफी गंभीर तरीके से पीटा गया, अस्पताल में तीन लोगों क्या कुछ कार्रवाई होगी? अभी जस्ट है से कि आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि इस स्कूल के किसी टीचर ने ऐसे बच्ची को ऐसे कि मारपीट की है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसे बच्चों को किसी तरह का ऐसे प्रताड़ित नहीं करना है, और ये मामला हमारे पास संज्ञान में है, विजुअल आप लोगों ने दिखाया है, कल हम लोग ऐसे कार्रवाई करेंगे और जितना संभव हो सकेगा मैक्सिमम पनिशमेंट उसको ऐसे करेंगे। सर, और शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई ऐसे की एक्टिविटी नहीं करनी है? राइट टू एजुकेशन एक्ट में सारे शिक्षक को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है कि बच्चों को ऐसे छड़ी नहीं उठानी है, मारपीट नहीं करनी है, प्यार से पढ़ानी है। हम ऐसे आप लोगों के माध्यम से सारे शिक्षकों को यह संदेश देना चाहेंगे कि जब आप ऐसे क्लास में जाते हैं तो अपने बच्चे अपना ऐसे कि बेटा बेटी की जैसा मान करके बच्चों को पढ़ा दें।